अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शयान और आप देख रहे हैं शानी ओपी व्लॉग। सो भाई फाइनली बैक विद अनदर न्यू व्लॉग। आई होप इंशाल्लाह आपको व्लॉग ज़रूर से पसंद आएगा। व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ अभी के अभी व्लॉग को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें जो जो न्यू है, और हाँ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ छोटे से इंट्रो के बाद। भाई साहब, आज का व्लॉग शुरू होता है नहाने के बाद से, और आज जुमा तैयार शैयार होकर निकल चुके हैं नमाज के लिए, और तो मिलता हूँ मैं आपसे वहाँ पहुँचने के बाद। सबसे पहले कर लेते हैं वजू, वजू कर से करके ही हैं, जल्दी जल्दी में आ गए। भाई साहब नमाज पढ़ के घर आ चुके हैं, और आप सबको बहुत बहुत जुमा मुबारक। और ये चाबी दे दो लौफे को, दरवाजा हाथ में ही लग गई, ये खुल जा, सुनते हैं नहीं खुलेगा, भाई साहब आज जा रहा है हारे पिकनिक पे। ये देखो तैयार वैयार ये हो गया है, इसने सामान रख लिया है, अभी जाएगा पिकनिक पे, और ये जा कर रहा है, और ये वहाँ क्या होता है ये सब कुछ आपको ये खुद आप खुद बताओगे, खुद बताएगा, खुद दिखाएगा। तो आप लोग प्लीज़ पिकनिक को एंजॉय करिएगा, और जो जो नया है चैनल को कर ले सब्सक्राइब, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको पिकनिक कैसी लगी, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, थैंक यू। तो आगे का ब्लॉग जो है वो ये कंटिन्यू करेगा। 20 minutes later. तो मैं हूँ आरिफ, और मैं जा रहा हूँ अपने स्कूल के साथ PAF म्यूजियम शारा फैसल पर। तो ये देखें आप सड़क पे कौन भाई साहब सो रहे हैं, ये देखो इन्हें कोई जगह नहीं मिली सोने की, यहीं सो रहे हैं, कोई बात नहीं सोने दो इन्हें। बस शाम के 5 बज रहे हैं और मौसम बहुत खूबसूरत हो रहा है, और हम अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा हैं, और रश तो आप देख ही सकते हैं रोडों पे कितना है। और ये देखो भाई रास्ते में हमें कायदे आज़म का स्टैचू मिला है, बहुत प्यारा बना हुआ है। ये जो गाड़ियाँ आप देख रहे हैं ये म्यूज़ियम के विज़िट के लिए आई हुई हैं, और स्कूल की भी गाड़ियाँ हैं, और ये जो आप बच्चे देख रहे हैं ये म्यूज़ियम का विज़िट कर चुके हैं, और अब ये वापस जा रहे हैं अपने घरों की तरफ। ये जो आप तैयारा देख रहे हैं ये एक असली फाइटर तैयारा है। गार्ड ने हमारी गाड़ी रोक ली है, अब हम एंट्री पास लेके अंदर दाखिल होंगे। हम PAF म्यूजियम पहुंच चुके हैं, और आप लोगों का रश देखें कितना है, और ये जो मेरे उल्टे हाथ पे लाइन देख रहे हैं ये टिकट की लाइन लगी हुई है, और हम अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। हम अंदर एंटर हो चुके हैं। ये एक लंबी नोक वाला बेहद खूबसूरत फाइटर तैयारा है जो यहाँ खड़ा किया गया है। ये सामने दो रडार हैं जो दुश्मन के तैयारों की निशानदेही के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हम म्यूजियम की गैलरी में दाखिल हो रहे हैं। ये ऑफिसर्स के मेडल्स रखे हुए हैं, ये ऑफिसर्स के यूनिफॉर्म वाले स्टैचू हैं, ये एक एयरपोर्ट का हेलीकॉप्टर नज़र आ रहा है, ये मुख्तलिफ फाइटर तैयारे खड़े हैं, और ये उनके मॉडल्स हैं। एक सेकेंड, ये कौन भाई साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर। ये यहाँ पे रखा हुआ सबसे बड़ा फौजी तैयारा है जो फौजी और इनके सामान को ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
यहाँ पर जहाजों के इंजन रखे हुए हैं। ये एयरफोर्स की शोधा की तस्वीर है। ये एयरफोर्स के मुख्तलिफ यूनिफॉर्म हैं, लेडीज़ और जेंट्स दोनों के यूनिफॉर्म लगे हुए हैं। ये बैजेस और रैंक्स हैं। पाकिस्तान इंडिया की जंग के दौरान उनसे छीने गए हथियार यहाँ लगे हुए हैं। इस तस्वीर में मिसाइल के ज़रिए टारगेट को निशाना बनाया जा रहा है। ये पाकिस्तान की पहली शहीद खातून पायलट मरियम अख्तार की तस्वीर है। ये शहीद खातून पायलट की तस्वीरें हैं। और ये उनका यूनिफॉर्म है। इस वक्त तकरीबन 8 बज रहे हैं और हम प्ले लैंड एरिया में आ चुके हैं। यहाँ मुख्तलिफ तरीके के झूले हैं। प्ले लैंड एरिया में बहुत रश है और मंजर बहुत खूबसूरत है, लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो चलिए आइए हम भी टिकट लेते हैं और झूलों में बैठते हैं। नानी भी लोग चेक करते हाथ पांव ठंडे पड़ रहे हैं मेरे। अरे मेरा दिल धड़क हो रहा है। टिकट ले लिया और अब हम झूले में बैठ चुके हैं। चक्कर आ गए।
क्या चीज ले रहे हैं? कौन सी वाली ले? कोई सी भी ले ले। पेप्सी ना? स्ट्रिंग ले ले। स्ट्रिंग नहीं पीती। जिंगर ले ले साइड। कितने की उस्ताद? आ रहा हूँ ना। कैसा मजा आया आपको? हाँ, बहुत मजा आया हमें। पिकनिक पे आने के बाद हारिफ जो था वो बहुत थक गया था, इस वजह से एंड भी उसने मेरा ख्याल नहीं दिखाया व्लॉग में, तो बस उसके बाद फिर वो घर आ गया। आई होप इंशाल्लाह आपको व्लॉग जरूर पसंद आया होगा। तो अभी भी जिसने भी व्लॉग को लाइक नहीं किया तो भाई लोग क्या कर रहे हो, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग व्लॉग को जरूर लाइक करें। और जो जो भी व्लॉग देख रहा है आप जी हाँ आपकी बात कर रहा हूँ, प्लीज़ इस चैनल में अगर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर ज़रूर से सेट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय। बैठे कार मेरे चोलू में जे